चलिए आपका स्वागत करता हूँ आपके इस मैराथन में एफ आर मैराथन में हम ऑलरेडी इंडिया जो बड़े बड़े टॉपिक्स हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हमने इंडेस वन वन सिक्स का पहला लेक्चर लिया था वो हो चुका है दूसरा लेक्चर हमारा आज सुबह हुआ जिसमें हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसॉलिडेशन और इंडे ट्वेंटी सेवन एस एफ एस वाला स्टैंडर्ड कम्प्लीट कर दिया अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे टॉपिक की तरफ जिसमें हम बात करेंगे अभी इंडे ट्रिपल वन और इंडे ट्वेंटी एट आई विल ट्राई टू कवर अप टू पोर्शन एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सका मैं कंप्लीट कर, करूंगा साथ ही साथ मैं इनके क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा सो so, चलिए गई स्टार्ट करते हैं सेशन और uh, सेशन में बढ़ते हैं आगे सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया ट्रिपल वन ज्वाइंट अरेंजमेंट्स की सबसे पहले

कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है उस एग्रीमेंट में ये मैंडेटरी होना चाहिए ये एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि जितने भी वेंचरर्स हैं जितने भी लोग उस ज्वाइंट ज्वाइंट अरेंजमेंट के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उन सबके पास कंट्रोल शेयर हो रहा है वे आर द एक्टिविटीज रिक्वायर्स यूनैनिमस कंसर्ट तो कुल मिला के ज्वाइंट अरेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है पार्टीज के बीच में उन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कंट्रोल शेयर हो रहा है एज वेल एज जो भी डिसीजन जो भी रेलोवेंट डिसीजन लिए जाएंगे यहां पर बोला गया

बेसिक फर्क ये होता है कि जहां ऑपरेशन होता है वहां जितने राइट्स टू द लाइबिलिटीज इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक वेंचरर हूं और मेरे साथ विशाल सर वेंचरर हैं हम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है तो ये हो सकता है कि मेरे राइट ज्वाइंट वेंचर के अंदर ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर मेरे राइट डिफरेंट हो और विशाल सर के राइट डिफरेंट हो कंट्रोल हम शेयर कर रहे हैं यूनानस डिसीजन ले रहे हैं पर हो सकता है विशाल सर ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया है इसकी वजह से हो सकता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर मान लीजिए विशाल सर ने अपना एक लैंड लेके आ गए और मैं अपना मशीन लेके आया और ये डिसाइड हुआ कि अगर जब ये ज्वाइंट अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा तो विशाल सर अपना लैंड खुद लेके जाएंगे और मैं अपना मशीन खुद लेके जाऊंगा मतलब वहां की ज्वाइंट ऑपरेशन की असेट्स लाइबिलिटीज में इंडिविजुअल लेवल पर राइट्स और ऑब्लिगेशन देखे जाएंगे अगर ऐसा होगा तो उसको बोला जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन

में के से। किसी का शेयर कम है पर, यहां पर बोला गया कि अंत में जब ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा तो जितना भी शेयरिंग निकलेगा जितना भी एंड में नेट असेट्स होगा उस असेट में सबको शेयर मिलेगा लास्ट के नेट असेट में जबकि यहां पर अगर ज्वाइंट ऑपरेशन खत्म हुआ तो रिस्पेक्टिव कोई हो सकता है सिलेक्टेड असेट किसी वेंचरर के पास ले जाएगी और कुछ ऑब्लिगेशन किसी और वेंचरर की होगी तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पर होगा इसमें नेट लेवल पर होता है तो और दूसरा इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इज थ्रू स्ट्रक्चर्ड और थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी देन जनरली इट विल बी ज्वाइंट वेंचर अच्छा दूसरा ज्वाइंट वेंचर की एक खासियत यह है कि ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है वेंचर के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है गाइज और नॉट दूसरा अकाउंटिंग अंडर द ज्वाइंट अरेंजमेंट्स ज्वाइंट अरेजमेंट्स की अकाउंटिंग क्या होती है हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि ज्वाइंट ऑपरेशन क्या होता है वेंचर क्या होता है अब अपन देखेंगे अकाउंटिंग अंडर ज्वाइंट अरेजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट्स की अकाउंटिंग क्या होती है अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है तो आपको इक्विटी मेथड लगाना है एज पर इंडिया ट्वेंटी जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा अगर आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट ऑपरेशन में है तो ज्वाइंट ऑपरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ज्वाइंट ऑपरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है नॉट एन नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी

सेल्स ऑफ जेओ मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा उस जेओ में जो भी असेट्स हैं उन असेट्स में मेरा कितना शेयर है ट्वेंटी परसेंट है मान लो उसमें भी जो लैंड है वो तो विशाल सर की है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है पर प्लांटर मशीनरी पूरी मेरी है तो प्लांटर मशीनरी मैं अपनी पूरी, पूरी रिकॉर्ड करूंगा डेटर्स डेटर्स में विशाल सर तो का करूंगा, इस तरीके से तो यहां पर हर एक वेंचरर अपनी बुक्स में अपना अपने इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा ठीक है इफ देर अ ट्रांजेक्शन बिटवीन वेंचरर एंड जेओ अब मान लो ज्वाइंट ऑपरेशन और वेंचर के बीच में अगर मान लो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो यहां पर यहां पर वेंचरर

फिफ्टी परसेंट हिस्सा मेरा ही है तो मैं सिर्फ बाकी का टेन थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो वेंचरर हैं दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया और ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट शेयरिंग पर स्टार्ट किया नाउ ए लिमिटेड सोल्ड रॉ मटेरियल टू इट्स ज्वाइंट ऑपरेशन कॉस्टिंग रुपीज फाइव लैक ऑफ ऑफ एट फाइव लाख रुपीज के, के गुड्स को सिक्स लाख में बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया वन लाख रुपीज का पर उसमें ए का खुद का शेयर कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड तो ए सिर्फ बाकी का बचा हुआ फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा ध्यान से देखिए कैसे रिकॉर्ड करेगा ए को रिकॉर्ड करने से पहले अपन बी देखते हैं तो बी क्या बी बोलेगा और बी लिमिटेड बोलेगा कि भाई हमारा क्रेडिटर है मुझे मुझे ए को देना पड़ेगा थ्री लाख रुपीज क्योंकि बाकी का थ्री लाख रुपीज का है तो बी ने रिकॉर्ड किया शेयर इन परचेज अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड अब ए लिमिटेड बोलेगा कि बी लिमिटेड ने उसको क्रेडिट किया है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को डेबिट करेगा डेट तीन लाख रुपए बी से वो लेगा क्योंकि कहीं ना अल्टीमेटली जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है हम जेओ को डेबिट क्रिएट नहीं कर सकते ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर जो वेंचरर लोग हैं हम उन्हीं को डेबिट क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो थ्री लैख मुझे बी से लेने हैं इसके अलावा अ, उसकी उसकी परचेज में उसकी परचेज में जेओ की परचेज में, में मेरा खुद का हिस्सा है पर मैं जानता हूं कि उसकी परचेज जो जो लाख 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 की है 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 उसमें का तो है, तो प्रॉफिट हटा के कॉस्ट में मेरा हिस्सा है मैं टू फिफ्टी मतलब का परचेज का रिकॉर्ड करूंगा और मैं सेल बुक करूंगा फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड की फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड की सेल इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने वैसे तो सेल किया सिक्स लाख में बट उसमें जो वन लाख का प्रॉफिट है वन लाख में प्रॉफिट में से मैं सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ सेल्स के रूप में बाकी का मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तो इस हिसाब से जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होंगे तो वेंचरर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब ज्वाइंट ऑपरेशन होता है ये वाला ज्वाइंट ऑपरेशन होता है तो यहां पर इन 103 वन जीरो थ्री के भी कुछ इंपैक्ट आ सकते हैं यहां पर बोला गया है कि जब एक वेंचरर

कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं एक जॉइंट ऑपरेटर हूं और मेरा 40% हिस्सा है जॉइंट ऑपरेशन में तो मुझे ये देखना है कि क्या उस जॉइंट ऑपरेशन को मैं एज अ बिजनेस की तरह देख पा रहा हूं तो एक तरीके से मैंने 40% बिजनेस को एक्वायर कर लिया अब मैं इंडियस 103 के वो सारे रिक्वायरमेंट फॉलो करूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ 40% जो नॉर्मली बिजनेस कॉम्बिनेशन में फॉलो होते हैं अब यहां पर मैं क्या-क्या करूंगा यहां पर मैं जब अपना फोर्टी परसेंट का शेयर रिकॉर्ड करूंगा तो ज्वाइंट ऑपरेशन में जितने भी असेट्स हैं जितने भी असेट्स हैं उसका फोर्टी परसेंट मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसका फोर्टी परसेंट मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद मैं डेपर टैक्सेस भी रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैं फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहा हूं असेट्स एंड लाइब्रेरीज को ये मतलब वन बोलता है कि आप अट्स लाइब्रेज को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हो तो आप भी उसको फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे

एनसीआई बुक नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ फोर्टी परसेंट ऑफ नेट असट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहां पर बेसिकली जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है मतलब पीसी हम उसको कंपेयर करेंगे फोर्टी परसेंट ऑफ नेट असेट एट फेयर वैल्यू और इससे हमें मिलेगा गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस और उसको भी हम रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट ऑपरेशन आर नॉट रीमेड हा यहां पर यह भी है कि जैसे आपको स्टेप में पढ़ाया गया था, कि आपने कोई करके रखा था 20 का, और आप फर्दर सिक्सटी परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फेयर वैल्यू पे आज की डेट पर फेयर वैल्यू करते हो ऐसा ही सेम अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है कि आपका फोर्टी इंटरेस्ट है उसमें से फाइव परसेंट प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है आप इसको आज फेयर वैल्यू नहीं करोगे ये अलाउड नहीं है, ये आपको नहीं है 103 वाला point, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा ज्वाइंट अरेंजमेंट है दैट्स इट यही था आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट में और कुछ बातें हैं ही नहीं बच्चों बस इतना ही है ज्वाइंट अरेंजमेंट अब मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है ज्वाइंट अरेंजमेंट में मैंने आपको तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं मिनिमम ये तीन क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएगा मास्टर पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी अब इसमें आप पहला ये क्वेश्चन देखिए कितना है क्या है

रजत का कैपिटल और ये करेक्शन कर दीजिएगा ये राहुल का कैपिटल है नीचे वाला अब राहुल हैज अ फुल राइट ऑन लैंड एंड फुल ऑब्लिगेशन ऑफ लोन टू देखिए यही मैं आपको कहना चाहता था अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो समझ जाना कि वो जेओ है तो जेओ में क्या होता है ना हर एक वेंचरर का अपना अपना अलग अलग तरीके से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू एसेट्स एंड लाइब्रेज होती है सबकी ऑब्लिगेशन सबके राइट्स नेट एसेट्स में नहीं होते हैं रजत एंड राहुल है बाकी सभी असेट्स में उनका 50 है इनिशियल कैपिटल ऑफ फॉर्टी एट लैक रजत एंड 52 टू लैक बाई राहुल तो राहुल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 52 टू लैक रुपीज का। अब फेर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 40 लाख और फेर वैल्यू ऑफ प्लान एंड मशीनरी कितना है 45 फाइव लैस डिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राहुल अगर राहुल लिमिटेड राहुल लिमिटेड कौन है राहुल लिमिटेड एक ऑपरेटर है ऑपरेटर है अगर राहुल लिमिटेड को ऐसा लगता है कि यह पार्टनरशिप फॉर्म जो मेजर आ रहा रही है अपने आप में एक बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल हो रही है बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे केस में राहुल लिमिटेड 103 की भी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा और राहुल लिमिटेड बेसिकली गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज भी निकालेगा अपने परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से अब वो कैसे निकालेगा ध्यान से देखिए सबसे पहले राहुल लिमिटेड के लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्टी टू अब राहुल लिमिटेड नेट असेट्स क्या क्या लेके आएगा राहुल लिमिटेड नेट असेट्स के फॉर्म में जो लैंड लैंड है, land वो पूरा का पूरा थर्टी लाख रुपीज का लेके आएगा ध्यान से देखिए लैंड आप पूरा का पूरा थर्टी लाख का लेके आएगा फिर जो एंड बिल्डिंग है वो अदर असेट्स में, आ में उनका 50 -50 है, तो लेंडन बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है फॉर्टी फेयर वैल्यू इसलिए क्योंकि वन जीरो बोलता है रिकॉर्ड करो तो फॉर्टी का आधा ट्वेंटी लैक्स फिर एंड मशीनरी उसका भी अदर असट फॉर्टी फाइव उसका भी आधा ट्वेंटी टू लैस थाउजेंड की बात करें तो सेवेंटी लाख सेवेंटी लाख का आधा एट लाख फाइव थाउजेंड सॉरी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड फिर आपका लोन लोन टू टू राहुल का पूरा पूरा है एट लाख रुपीज का और लोन लोन वन वन में लाख लाख का आधा तो इस तरीके से नेट हम लेके आए तो नेट असेट हमारी ओवरऑल आ गई सेवेंटी वन लाख की सेवेंटी की नेट असेट्स आ गई और इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं राहुल राहुल लिमिटेड राहुलटेडी टू लाख के तो ये हो गया गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज नाइनटीन लाख रुपीज का नाइनटीन लाख रुपीज का गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज राहुल लिमिटेड अपने अपना जब कंसोलिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस दिखाएगा और ये सारी असेट्स लाइबिटिस दिखाएगा मतलब जब राहुल लिमिटेड अपना सी बनाएगा

कंसोलिडेशन मेथड तो प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉल किया जाएगा अगर आप जो एक्वायर कर रहे हो जो ऑपरेशन है वो आपका बिजनेस के डेफिनेशन में फॉल हो रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 है ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें आपको ये पूछा गया है कि बताइए इसमें ज्वाइंट अरेंजमेंट होगा कि ज्वाइंट वेंचर होगा या ज्वाइंट ऑपरेशन होगा कि ज्वाइंट वेंचर होगा तो आइए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड मैन्युफेक्चरिंग सिमिलर टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स इन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट अरेजमेंट बनाई और उस अरेंजमेंट के अंदर एक्स वाई आर टू यूज देयर ओन असेट्स टू मैन्युफैक्चर द मोबाइल फोन अपनी अपनी करेंगे बोथ आर रिस्पॉसिबल फॉर द लाइब्रेट रिलेटेड टू दियर रिस्पेक्टिव मैन्यूचरिंग अरेजमेंट ऑल्सो लेस डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द मोबाइल फोन एक्सपेंसिज इनकट एक्स लिमिटेड हाउर हैजक्लूसिव कंट्रोल ओवर द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अपने आप में एक रेलेवेंट एक्टिविटी होती है तो मैंने आपको बताया था कि रेलेवेंट एक्टिविटीज का के ऊपर यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए जबकि एक्स लिमिटेड बोल रहा है कि उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर मतलब यहां पर यूनानिमस कंसेंट नहीं है ऐसे केस में वो वाई का कंसेंट नहीं लेता तो नो सेपरेट लीगल एंटिटीज क्रिएटेड फॉर द अरेंजमेंट बताइए ये अरेंजमेंट है कि नहीं द आंसर इज नो ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है बिकॉज यहां पर कंसेंट नहीं है यहां पर शेयरिंग ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पहले केस में आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है वेंचर और ऑपरेशन की तो बात दूर दूर तक हो गई दूसरा कंटिन्यूंग विथ वन अब वॉट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इफ एक्स एंड वाई बोथ

बी द क्लासिफिकेशन ऑफ अरेंजमेंट इफ टू अरेजमेंट द मोबाइल फोन अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट की गई है बाकी सारी चीजें वही है कि भाई दोनों का शेयरिंग ऑफ कंट्रोल है और रिलवेंट एक्टिविटीज में भी दोनों काीगल एंटिटी तो आपको यहां ये यह आंसर करना पड़ेगा ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर आप नहीं करना कि ज्वाइंट वेंचर है आप ये बोलोगे कि अगर एक्स और वाई दोनों का राइट right है ऑब्लीगेशन है राइट टू ऑब्लिगेशन टू दाइब्रेरीज है तो अगर है राइट टू अरेंजमेंट है मतलब अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन खत्म हो गया अगर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट खत्म हो गया तो अंत में जो भी बचेगा उसको एक्स और वाई आपस में बांटेंगे तो ये ज्वाइंट वेंचर है पर अगर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट खत्म हुआ तो ये लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव असेट लाइब्रेरीज चुकाएंगे ले जाएंगे आ, ये लोग नेट असेट्स में भागीदार नहीं है तो ये फिर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो आंसर इसका दोनों होगा Continuing with three above, the joint arrangement is a means of manufacturing mobile phones on a common platform. But output of the joint arrangement is purchased by both X and Y in the ratio of fifty fifty. Arrangement cannot sell the output to third party. Arrangement जो है वो बोल रहे हैं कि हम जितना भी mobile phone बनाएंगे इस joint arrangement से वो हम ही खरीद लेंगे और अपने अपने हिसाब से बेचेंगे हम third party customers को बेचने दे देंगे ठीक है ना इस arrangement से कभी भी mobile phone outside parties को नहीं बिकेगा और पूरा का पूरा हम अपने पास हम अपने से ही ले लेंगे भाई सीधी बात है आपने अरेंजमेंट को एक तरीके से अपने

नाउ द ज्वाइंट अरेंजमेंट एंटिटी इज नॉट अपलाइज टू सेल द आउटपुट टू एक्स वाई एंड ऑल्सो एबल टू सेल द आउटपुट टू द थर्ड पार्टी अब ज्वाइंट अरेंजमेंट थर्ड पार्टी को भी बेच पाएगी तो डेफिनेटली यहां पर आपने उसको इंडिपेंडेंट कर लिया अब जो ज्वाइंट जो अरेंजमेंट है वो आउटसाइड पार्टीज़ को भी बेच पाएगी मतलब वो इंडिपेंडेंट तो होने के चांसेज यहाँ पर ज्यादा है कि वो जे होगी ठीक है इस तरीके से आपके आंसर्स रहेंगे यहाँ पर मैंने ये चीज़ें कुछ कुछ हाईलाइट की हुई है देख लेना अब आते हैं अपना एक तीसरा आपका क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 128 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दो बार आया है आर टीपी नवंबर ट्वेंटी वन में और एमटीपी नवंबर 22 में आया है ये क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है ये तीन अलग अलग कंपनी लोग हैं कंपनी जेड जो अब इन तीनों कंपनी का मिलकर एक वेंचर के अंदर शेयर है अपना अपना शेयर है थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट टेन परसेंट शेयर है ये वेंचर है आपस में ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है अपने आप में एक ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है अब हो क्या रहा है कि इन तीनों का शेयर है पर उसमें से तो जो कंपनी जेड है ना वो कंपनी एक तरीके से इस ये कंपनी इस ज्वाइंट अरेंजमेंट से बाहर निकल रही है इसको बाहर निकाला जा रहा है और ये अपने सारे असेट्स लाइब्रिटीज इन दोनों को बेच के जा रही है तो मतलब अब हो क्या रहा है जो कंपनी एक्स है वो कुछ पोर्शन कंपनी Z के शेयर का खरीद रही है और बाकी कंपनी Y खरीद रही है तो पहले तो देखना पड़ेगा कि कंपनी Z का 10 परसेंट का हिस्सा इस पूरे अरेंजमेंट में कितना कितना था तो आपको सामने ये दिया गया है ये कंपनी Z है कंपनी Z बंद हो रही है एक तरीके से और अपना हिस्सा बेच के जा रही है तो कंपनी Z की उन्होंने 31 मई और 30 जून को उन्होंने वैल्यू देके रखी है कि कंपनी Z में पीपी -पी है कंपनी Z में राइट ऑफ यूजर सेट है कंपनी Z में पी -पी इतने सारे असेट्स हैं और इतने सारे लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है ना अब ये अपना हिस्सा कंपनी एक्स और वाई को बेच के जा रही है जिसमें कंपनी एक्स जो है जो कंपनी एक्स है वो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट शेयर खरीद रही है कंपनी जेड का ठीक है ना बाकी चीजें और क्या दी हुई हैं इसके अलावा और यह दिया हुआ है कि एग्रीमेंट हो गया है थर्टी फर्स्ट मई का पर एक्स को जो है वो अप्रूवल लेना जरूरी है यहां पर लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट का अप्रूवल उनको मिला है 30 जून को तो मैंने आपको इंडेस 103 में बता दिया था कि आप डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानोगे एग्रीमेंट डेट या अप्रूवल डेट अगर अप्रूवल नेसेसरी है बिना अप्रूवल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो अप्रूवल बोल रहा है देखिए गिव इजेंशियल है तो ऐसे केस में अप्रूवल डेट विल बी द ट्रीटेड एज डेट ऑफ एक्विजिशन तो यहां पर थर्टीएथ जून अप्रूवल डेट को डेट ऑफ पोजीशन माना जाएगा अब यहां पर सबसे पहले यह पूछ रहा है

बिजनेस एक्वायर किया हमने जो एक्वायर किया है वो बिजनेस एक्विजिशन है ये एक असेट एक्विजिशन नहीं है अब क्योंकि ये बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल हो गया तो कंपनी एक्स जब कंपनी जेड का 33 परसेंट शेयर एक्वायर करेगी तो वो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करेगी हाँ जी वो प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करेगी मतलब वो उसके पीपी -पी, वो उसके राइट right ट वो उसके डेवलपमेंट सी डब्ल्यू है जितने वैल्यू पी एंडमेंट सी डब्ल्यू आईपी मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फेयर वैल्यू है फाइव लैक एंड टू लैख लैख का थर्टी थ्री परसेंट फाइव लैख का थर्टी थ्री परसेंट मतलब कितना वन सिक्स सिक्स फाइव जीरो तो आप देखोगे तो उन्होंने यहां पर वन सिक्स सिक्स फाइव जीरो हमने रिकॉर्ड कर लिया ये सर टेन लैख क्या है ये बेटा एक्स के फिगर्स है और एक्स ने एक्विजिशन कितना किया इतना तो एक्स टोटल जब अपनी वापस से बैलेंस शीट बनाएगा तो वो इसका इतना हिस्सा दिखाएगा तो टोटल मिला के दिखा देगा तो एक्स ने क्या क्या एक्वायर किया एक्स ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया वैसे ही एक्स जितनी भी चीजें एक्वायर करके लाएगा वो सब अपने अपने बुक्स में दिखाएगा उसके बाद फेयर वैल्यू सी डब्ल्यू आई पी की है टू लैख तो टू लैख का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट मतलब सिक्स 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 वो दिखाएगा सिक्स 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 यहां पर वो दिखाएगा सिक्स 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 एक सेकेंड हां ये देखिए ये सिक्स 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 यहां रिकॉर्ड करेगा ठीक है एक्विजिशन पर और ये सी डब्ल्यू आई पी इस तरीके से वो दिखाएगा इस तरीके से वो सारे असेट्स एंड सारे लाइब्रेरीज को दिखाएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहां पर आपको क्या करना है वो उसके सारे असेट्स लाइब्रेरीज लेके आ रहा है इसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ ऑल अदर एसेट्स लाइब्रेड सेम माने जाएंगे कैरिंग अमाउंट के जैसे वो उसका कैश एंड कैश इक्वल नहीं लेके आ रहा है तो कैश एंड कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे टैक्स रेट थर्टी परसेंट दिया हुआ है मतलब डीटीए डीटीएल निकलेगा यहां पर सिर्फ दो अट्स के कारण आपका डीटीए रिटेल निकलेगा बिकॉज हम दो असेट का फेयर वैल्यूएशन अलग है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट अलग है कैरिंग अमाउंट कितनी है जैसे पीपी -पी की कैरिंग अमाउंट है थ्री लैख तो थ्री लैख का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 कितना नाइन 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 तो ये कैरिंग अमाउंट हो गया ठीक है ना ये कैरिंग अमाउंट हो गया और हमने एक्वायर किया वन सिक्स पे ज्यादा पे एक्वायर किया तो डिटेल बनेगा वैसे ही ये कैरिंग अमाउंट सी डब्ल्यू आई पी का थर्टी थ्री 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 जीरो अलग से डेफर टैक्स लाइब्रेरी निकाली जाएगी अलग से थर्टी थाउजेंड के अप्रॉक्सली और वो डेफर टैक्स लाइब्रेरी को भी रिकॉर्ड किया जाएगा थर्टी थाउजेंड रुपीज में आई मेरी बात समझ में तो इस तरीके से हम असेट लाइब्रेरी बुक करेंगे अब हम असेट लाइब्रेरी हमने ये हमने नेट असेट सबकी सब हमने एक्वायर कर ली और हमने ये कितने में खरीदा हमने ये कितने में खरीदा हमने ये खरीदा आ, आगे बता रहा होगा यहां पर वन लाख रुपीस में मतलब ये हो गया पीसी अब आप क्या करोगे वन लाख रुपीस को पीसी को कंपेयर करोगे फोर्टी परसेंट सॉरी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज ऑफ द नेट असेट अक्वायर तो हमने जो भी नेट असेट अक्वायर की ये देखिए हमने ये सारी की सारी नेट असेट अक्वायर की और हमने जो पीसी दिया वो जो हमने पीसी दिया वो पीसी हमने बेसिकली वन लाख रुपीज का पीसी दिया इससे हमारा गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस आ जाएगा इससे हमारा गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज आ जाएगा यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि कितना आया तो कुल मिलाकर हमने जो नेट असेट एक्वायर की वो वन वन नाइन नाइन एट एट की एक्वायर की और हमने जो कंसेटेशन पे किया वो वन लाख रुपीज का पे किया तो हमारा गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी एट क्या क्या एक्वायर करके आए हम सारे के सारे नॉन करंट अट्स एक्वायर करके आए हम करंट असेट्स एक्वायर करके आए कैश बैंक छोड़कर

इंडे एस ट्वेंटी एट की अब बात करते हैं इंडिया ट्वेंटी एट की इंडिया ट्वेंटी एट क्या बात करता है इंडिया ट्वेंटी एट बात करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट का नेचर ज्वाइंट वेंचर है तो उसके ऊपर इक्विटी मेथड लगेगा इंडिया ट्वेंटी एट के हिसाब से अब इंडिया ट्वेंटी एट में दो दो कंपनी एप्लीकेबल है एक तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर में है दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट एसोसिएट कंपनी में एसोसिएट कंपनी कौन होती है एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी परसेंट हो या ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा हो और फिफ्टी परसेंट कम हो क्योंकि अगर 50% से ज्यादा हुआ तो आपकी सब्सिडी बन जाएगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा है तो माना जाएगा कि आपका

क्या लगाते हो इक्विटी मेथड लगाते हो अपने सी एफ एस में अब इक्विटी मेथड अपन कैसे लगाएंगे वेट हम इक्विटी मेथड कैसे लगाएंगे इक्विटी मेथड में क्या होता है इक्विटी मेथड में हम अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है कि डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी आपकी यहां पर और यह आपकी date date पर और ये डेट डेट है ऑफ एक्विजिशन आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को इक्विटी मेथड के हिसाब से मेजर करते हो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है मान लो फाइव लाख आपको क्या करना होता है आपको देखना पड़ता है कि नेट असेट्स फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट ऑफ जेवी ऑब्लिक एसोसिएट कितने हैं? मान लो असेट्स फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट ऑफ जेवी ऑब्लिक एसोसिएट है अस से थर्टी लैक्स और इसमें आपका जो हिस्सा है वो है मान लीजिए ट्वेंटी फाइव परसेंट तो थर्टी लैख मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी तो ये कितना हो गया ये हो गया सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड थर्टी so, लैख के नेट असेट्स हैं जेवी एसोसिएट के उसमें आपका हिस्सा है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो आप इसको इक्विटी मेथड कैसे लगाते हो आप बोलते हो कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया फाइव लाख रुपीज में बट आज आपके पास उनके नेट असेट्स में सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड का हिस्सा है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से बढ़ा दोगे जब आप कंपेयर करोगे इक्विटी मेथड में तो अगर आपको दिख रहा है कि नेट असेट्स, आपके नेट असट्स में जो शेयर है वो ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है तो आप बाकी के अमाउंट से टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हाँ जी आप ऐसा करोगे क्लियर हुआ कि नहीं इसका उल्टा भी हो सकता है उल्टा मतलब मान लीजिए थर्टी लैख की जगह पर मान लीजिए थर्टी लाख की जगह पर एटीन लैख्स हो जाता अब आप एटीन लाख का ट्वेंटी फाइव परसेंट करोगे तो ये आपका आएगा सेवन पॉइंट ये आएगा आपका फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड और फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है जबकि आपको शेयर मिल रहा है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का तो जो रेस्ट फिफ्टी थाउजेंड है आप उसको गुडविल ट्रीट करोगे और गुडविल की कोई एंट्री पास आप नहीं करोगे बस आप ये बताओगे कि जो आपके इन्वेस्टमेंट से फाइव लैख के इट इंक्लूड्स फाइव फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ऑफ गुडविल मतलब आपने एडिशनल पैसा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज

समय बुक करते हो या तो फिर नेट असेट्स की नेट असेट्स का शेयर कम है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा है तो जो बीच का डिफरेंस आता है उसको हम गुडविल बोलते हैं और गुडविल को हम सिर्फ डिस्क्लोज करने के लिए दिखाते हैं कि इट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स गुडविल

पोस्ट एक्विजिशन पी एंड एल अकाउंट है यहां पर जेवी कंपनी ने एसोसिएट कंपनी ने मान लो थ्री लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया और जो ओसीआई लॉस किया वो ओसीआई लॉस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का किया ऐसा अब उसमें हमारा शेयर कितना है 25 तो हम क्या करेंगे थ्री लाख रुपीज में हमारा ट्वेंटी कितना हुआ थ्री लाख में ट्वेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो हम सेवेंटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे और ओसीआई लॉस फिफ्टी थाउजेंड उसमें हमारा ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब साढ़े बारह हजार साढ़े बारह हज़ार से हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा देंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी कितने से सेवेंटी फाइव थाउजेंड से और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी कितने से बारह हजार सौ तो नेट हमारे इन्वेस्टमेंट सेवेंटी फाइव माइनस साढ़े बारह हजार मतलब हमारे नेट इन्वेस्टमेंट सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड से बढ़ेंगे हम एंट्री क्या पास करेंगे एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर इन ओसीआई क्योंकि ओसीआई लॉस था ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टू शेयर इन शेयर इन पी एंड एल सेवेंटी फाइव थाउजेंड हम इस शेयर इन पी एंड एल को कंसोलिडेटेड पी एंडल में लेके जाएंगे और शेयर इन ओसीआई को कंसोलिडेटेड ओसीआई में लेके जाएंगे तो कुल मिला के हम अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इस तरीके से बढ़ाएंगे गिराएंगे तो कोई भी चेंजेस जो डेट ऑफ एक्वेशन के बाद होंगे एसोसिएट जेवी में उनके पीएडल और ओसीआई में उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज का चेंज हम अपने इन्वेस्टमेंट में करेंगे दैट इज कॉल्ड बेसिकली इक्विटी मेथड तो आप ध्यान से देखिए हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिवेल्यू किया उसमें या तो गुडविल निकला या तो कैपिटल निकला कैपिटल तो निकलेगा तो एंट्री होगी फिर हमने पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ओसीआई हमने ऐड कर दिया ठीक है अगर उसके बाद हमें सामने वाली कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है तो हम उतना डिविडेंड हम माइनस कर देंगे बिकॉज हम प्रॉफिट को जब कर रहे थे तो ये सोच के कर रहे थे कि यार उसने प्रॉफिट कमाया तो उसमें मेरा हिस्सा तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए पर जब मुझे डिविडेंड मिल गया तो अब मेरा हिस्सा कम हो गया क्योंकि उसने मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई मतलब आप एक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हो एज अ रिसीवेबल मतलब जैसे-जैसे वो प्रॉफिट कमाती जा रही है आप उतना उतना अमाउंट उतना शेयर अपने वाला अपने वाला शेयर अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते जा रहे हो ये बोल के कि देखो मुझे ये भी अब एसोसिएट से लेना है पर जैसे ही वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो आप उतने से माइनस कर रहे हो ठीक है उसके बाद डेप्रिसिएशन एडिशनल और सेविंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन पर डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमने जब नेट असेट्स निकाले थे तो हमने उसका फेयर वैल्यू किया था तो फेयर वैल्यू करते वक्त हमने किसी फिक्स असेट को पीपीई को रिवैल्यू किया होगा तो उसके अपर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डेप्रिसिएशन भी तो कुछ और लगना चाहिए और एसोसिएट जेवी ने डेप्रेशन कुछ और लगाया होगा तो जो भी डेप्रीसिएशन का डिफरेंस आ रहा है उस डेप्रेशन में जो हमारा शेयर होगा वो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में इक्विटी मेथड में इसके अलावा जब हम अपना अनरियलाइज प्रॉफिट का एलिमिनेशन करेंगे डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन आई रिपीट ओनली एंड ओनली डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन डाउन स्ट्रीम मतलब इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा इन्वेस्टर ने जेवी को बेचा और इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया तो उसके जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें उसका शेयर 25 परसेंट के बराबर का वो वहां से अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से माइनस करेगा क्यों क्योंकि मैंने अगर गुड्स बेचे तो प्रॉफिट मैंने कमाया गुड्स किसके पास चले गए एसोसिएट के पास और वो गुड्स किसके पास एसोसिएट के पास है वो अनसोल्ड गुड्स है और अगर वो अनसोल्ड गुड्स है वो अनसोल्ड गुड्स कहीं ना कहीं उसके नेट असेट का पार्ट है और उस नेट असेट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट शामिल है तो उस प्रॉफिट में मेरा वाला जो हिस्सा है वो मैं हटाने की कोशिश करूंगा ये और अगर आगे चल के एसोसिएट या जेवी कंपनी कोई इंपेयरमेंट लॉस बुक करी तो इंपेयरमेंट लॉस में हमारा हिस्सा वो भी हम माइनस करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस तो बहुत कम पूछा जाता है डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम ट्रांजेक्शन के कारण अपस्ट्रीम ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ये भी कम पूछा जाता है मेजरली आपका इन्वेस्टमेंट का डेट ऑफ एक्वेशन पे चेंजेस होगा और पोस्ट इक्वेशन शेयर ऑफ प्रॉफिट और ये और होगा। ये मेजरली ज्यादा ज्यादा होगा होगा आइए मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपको यहां से समझ में आ जाएगा बी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन डी अचीव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कॉस्ट कितना है कॉस्ट है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का और एसोसिएट कंपनी के नेटा सेट कितने फाइव लैख द फेयर वैल्यू ऑफ दो नजर सिक्स लैक आप फेयर वैल्यू लोगे तो देखिए लोग ,00 का फेयर वैल्यू हो गया तो सिक्स लैख ,00 का मल्टीप्लाई बाय थर्टी परसेंट कितना शेयर है वन एटी हमारा शेयर सिर्फ वन एटी का शेयर है जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया टू फिफ्टी का इसका मतलब ज्यादा जो डिफरेंस है वो गुडविल है तो सेवेंटी थाउजेंड का गुडविल आया सेवेंटी थाउजेंड के गुडविल को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम दिखाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट टू फिफ्टी के इट इंक्लूड्स गुडविल सेवेंटी थाउजेंड आगे

थ्री थाउजेंड का एडिशनल डिप्रेशन का इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा क्योंकि उसके डेपरेशन ज्यादा लगाने से उसकी नेट असिट गिरेगी तो हमारा शेयर गिरेगा आगे ड्यूरिंग द ईयर एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया वन लाख रुपीज का जिसमें हमारा थर्टी परसेंट शेयर होगा तो हमने थर्टी थाउजेंड रुपीज से बढ़ा दिया ठीक है ड्यूरिंग द ईयर हमें डिविडेंड मिला डिविडेंड हमें नाइन थाउजेंड मिला मतलब एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस नाइन थाउजेंड के डिविडेंड में थर्टी परसेंट हमारा तो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड हमने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी एसोसिएट कंपनी के पास एक्सचेंज लॉस उसने बुक किया डायरेक्टली ओसीआई में तो ओसीआई में अगर एक्सचेंज लॉस बुक किया तो ओसीआई भी आपके नेट एसेट को अफेक्ट करता है तो ट्वेंटी थाउजेंड में हमारा हिस्सा थर्टी परसेंट मतलब सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड से हमारे इन्वेस्टमेंट को कम किया जाएगा कुल मिला के आज हमारा बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टू सिक्सटी एट थ्री हंड्रेड और पहले इन्वेस्टमेंट था टू फिफ्टी तो मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड से बढ़ा रहे हो तो एंट्री क्या पास करोगे एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,300 इसमें आप ये देखोगे कि आपने ओसीआई का कितना इंपैक्ट दिया था ओसीआई का इंपैक्ट दिया था आपने 6,000 वो भी नेगेटिव तो आप दिखाओगे कंसोलिडेटेड ओसीआई डेबिट 6,000 और बाकी का कंसोलिडेटेड पी एंड एल ट्वेंटी अगर आप अलग से देखोगे तो आपका 30 माइनस ट्वेंटी और माइनस थ्री थाउजेंड आपका 24,300 ही आएगा इस तरीके से ये एंट्री पास करोगे दिस इज हाउ वी एक्चुअली अप्लाई इक्विटी मैथडा इक्विटी मैथड अप्लाई होता है इस तरीके से तो डेट ऑफ एक्वेशन पर अगर आपका कैपिटल तो आपको एंट्री करनी है अगर आपका goodwill आ रहा है, तो आपको गुडविल रिकॉर्ड नहीं करना है गुडविल अंडर जेवी याट इज नॉट रिक्वायर टू बी रिक्नाइज सेपरेटली इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन्यूफ नेट एज ऑन डीओ ए द एक्सेस अमाउंट इज गुडविल विच इज इंक्लूडेड इन द इनवेस्टमेंट जो आपके इन्वेस्टमेंट में ही शामिल होगा चलिए उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट जेवी इन सी एफ एसोसिएट जेवी जो आपकी एसोसिएट जेवी है उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसमें आपका शेयर होगा तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे अभी अभी हमने देखा अगर अगर प्रॉफिट 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 होगा होगा तो आप से इक्विटी मेथड में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे अगर लॉस होगा तो आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दोगे तो इन्वेस्टर शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट जेवी शेल बी अलोकेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मतलब आप मतलब आप इक्विटी मेथड में अपने लॉस को बुक करोगे लॉस को बुक करोगे मतलब एंट्री करोगे कंसोलिडेटेड पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट ना पर मान लो लॉस बढ़ता जा रहा है लॉस बढ़ता जा रहा है लॉस बढ़ता जा रहा है तो ऐसे केस में यह भी तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जीरो पर आ जाए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी आप नेगेटिव नहीं कर सकते हो आप लॉस को बुक करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जब तक मिलना आ जाए तब तक आप लॉस बुक करोगे और उसके बाद का लॉस का आप क्या करोगे वो बाकी की बातें मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा अभी आप रुक जाओ क्योंकि वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा अब बढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी एस हेल्ड फॉर सेल मान लीजिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी को हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में रख दिया मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फोर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट है और फोर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट फोर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट में से आप टेन परसेंट एच एफ एस हेल्ड फॉर सेल है और थर्टी परसेंट आप सेल नहीं करोगे

उसके ऊपर आप इक्विटी मेथड लगाओगे उसके इक्विटी लगाओ ना? उसके ऊपर ऊपर लगाओगे लगाओगे, है है, है, ना नहीं मान मान लीजिए लीजिए कुछ अलग में से 25 मैंने हेल्ड सेल रखा है। अभी बेचा नहीं है बेचूंगा, और बाकी का फिफ्टी परसेंट नॉर्मल है तो मैं इसके ऊपर तो वन जीरो की रिक्वायरमेंट लगाऊंगा कैरिंग अमाउंट और फेरोल बचा हुआ जो 15% है इसके ऊपर मैं मैं तब तक तक लगाऊंगा जब को बेच नहीं नहीं देता because अभी मैंने बेचा है है तो मेरा overall तो मेरा इसीलिए के ऊपर मैं मेथड तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं अपना ट्वेंटी देता वन आई सोल्ड माई ट्वेंटी खाली खाली पंद्रह परसेंट ही रह गया और पंद्रह परसेंट में मेरे पास कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी नहीं है तो ऐसे केस में अगर वो मेरा एसोसिएट है और मेरा एसोसिएट नहीं बचा तो ऐसे केस में मैं इसके ऊपर नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करूंगा मैं नॉर्मल फेयर वैल्यू मेजरमेंट करूंगा वन जीरो नाइन का तो इस तरीके से आपको करना है लास्ट डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ इक्विटी मेथड हम इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू कब करेंगे दो कैसे हो सकते हैं पहला या तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडी में कन्वर्ट हो गई आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडी में कन्वर्ट हो गया मैंने वो आज ही के लेक्चर में जब मैंने मैराथन में बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन लिया था तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि एसोसिएट आपकी सब्सिडी बन गई तो ऐसे केस में आप क्या करोगे एसोसिएट अगर आपकी सब्सिडी बन गई तो आप फॉलो करोगे स्टेप एक्विजिशन आप नेटेसाइट हंड्रेड परसेंट रिकॉर्ड करोगे आप गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालोगे और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिख रहा था उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे और आपने जो भी एसोसिएट के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और ओसीआई बुक करके रखे थे तो उस ओसीआई को आप रिवर्स करोगे पीएंडल में अगर पीएनएल में रिवर्स करना अलाउड नहीं है तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में ले जाओगे ये पूरा केस मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के केस में करवाया था मतलब आप नेट एसेट रिकॉर्ड करोगे एनसीआर परचेस रिकॉर्ड करोगे प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर मेजरोगे थ्री एंडल अगर आपके पास पहले से ही कुछ कंसोलिडेटेड ओसीआई बुक करके रखा था जैसे यहां पर हमने मान लो कंसोलिटेड ओसीआई बुक करके रखा था ठीक है ना तो आप उस कंसोलिडेटेड ओसीआई को रिवर्स करके रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे अगर पेएडल में ले जाना क्लासिफाई क्लासीफाई करना अलाउड नहीं है तो जैसे रिवल्यूशन सरप्लस के केस में पर दूसरा केस अब आपकी एसोसिएट कंपनी एक तो था एसोसिएट कंपनी सब्सिडी बन गई इसीलिए आप डिस्कटिन्यू कर रहे हो इक्विटी मेथड आप इक्विटी मेथड मैथिन्यू इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि अब आपकी एसोसिएट कंपनी एसोसिएट नहीं रही क्योंकि आपने बाकी के इन्वेस्टमेंट बेच दिए आपने सम और ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच दिए जब आपने सम और ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच दिए फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्टी परसेंट शेयर था उसमें से आपने थर्टी परसेंट शेयर बेच दिया अब आपके पास रिटेन है सिर्फ टेन परसेंट तो आप रिटेन इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे टेन परसेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे एज पर इंडिया नाइन ठीक है और जो आपने बेचा है वो आपको बैंक से पैसा मिलेगा और जो आपने बेचा है आपने उसको डी कर दिया तो कुल मिलाकर एंट्री क्या करेंगे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आपका सेल प्रोसीड्स होगा ठीक है इन्वेस्टमेंट जो रिटेन्ड वाला पार्ट है वो भी आपका डेबिट हो जाएगा फेयर वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा जो फोर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट अभी तक आप रिकॉर्ड करते थे इक्विटी मेथड वाला

अगर आपकी एसोसिएट जेवी लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है तो ऐसे केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जाओगे 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 गिराते जाओगे, गिराते जाओगे, पर इन्वेस्टमेंट आपका मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कहां तक आएगा नील तक आएगा उसके बाद के लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आइए वो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं सबसे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए लिमिटेड का फोर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में टेन लाख रुपीज हो गई कॉस्ट ऑन दैट डेट बी लिमिटेड का ख शेयर मल्टीप्लाई बाय टेन मतलब टेन लैक के इक्विटी शेयर कैपिटल और एक्यूमेटेड प्रॉफिट ऑफ टू लैक मतलब कुल मिला के ट्वेल लाख ट्वेल्ल लाखी परसेंट कर रहा हूं ट्वेल्ल लाख का फोर्टी परसेंट हो गया फोर लाख एटी थाउजेंड मतलब नेट असेट में हमारा शेयर है सिर्फ फोर लाख एटी थाउजें और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया टेन लैक मतलब बाकी का हो गया गुडविल तो गुडविल कितनी हो गई फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप कुल मिला के नेट असेट्स कुल मिला के आप अपने इन्वेस्टमेंट दिखाओगे टेन लाख पर आप बाइफरकेट करके दिखा सकते हो कि इट इंक्लूड गुडविल ऑफ फाइव ट्वेंटी फिर नेक्स्ट ईयर आपकी एसोसिएट कंपनी ने लॉसेस किए टेन लाख रुपीज के उन टेन लाख के लॉसेस में आपका कितना शेयर फोर्टी परसेंट मतलब फोर लाख अब फोर लाख रूपीज से आपके इन्वेस्टमेंट किर जाएंगे आपके अभी इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं टेन लाख टेन लाख में से फोर लाख गए तो आपके इन्वेस्टमेंट बाकी कितने बचेंगे सिक्स लाख

नेक्स्ट ईयर अगेन लॉस हुआ ट्वेल्ल लाख फिफ्टी थाउजेंड का तो ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड में फोर्टी परसेंट हमारा शेयर मतलब फाइव लाख फाइव लाख हमारा फाइव लाख रुपीज का लॉस हमें बुक करना है यार एक बात बताओ फाइव लाख का लॉस बुक करना है जिसमें से एटी थाउजेंड हम अपने इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो अब हम अगली बार हमारे कोर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे जीरो पर फाइव में से एटी गए तो अभी भी बचे फोर 420. ट्वेंटी तो फोर 420 ट्वेंटी मतलब को राइट ऑफ करना है तो हम अपने पहले कोर इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे फिर बची हुई गुडविल में से माइनस करेंगे तो फाइव में से हम फोर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग गुडविल हमारी बचेगी सिर्फ वन लैख ,00 रिमेनिंग गुडविल बचे रिमेनिंग बचेगी वन लैख नेक्स्ट ईयर अगेन आपको लॉस हुआ फाइव लैख का के लॉस में आपका फोर्टी परसेंट शेयर होता है टू लैख टू लैख आप लॉस बुक कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बची ही सिर्फ वन लैख है तो आप सिर्फ वन लैख का ही माइनस करोगे और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा निर मतलब आपके इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकते आई बात समझ में पर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये वाला नहीं ये वाला मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के मैराथन में जो मैंने आज सुबह ही लिया था उसमें मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं क्यूआर कोड भी आपको मिल जाएगा मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा और वो क्वेश्चन में भी लॉसेस आ रहे हैं वगैरह वगैरह चीजें आ रही है वो क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट कॉन्सेप्ट है और आपका इसी के साथ जेवी एसोसिएट खत्म हो गया अब ये क्वेश्चन है क्या फंडा यह है कि अगर आपका एसोसिएट आपका, आपका जेवी प्रॉफिट कर रहा है तो उस प्रॉफिट में आपका शेयर है और आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाते हो अगर आपका एसोसिएट जेवी लॉसेस कर रहा है तो उसके लॉसेस में आपका शेयर है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को घटाते हो ठीक है उसने लॉस किया उसमें आपका शेयर आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी अगेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी अब ऐसे करते करते आपका इन्वेस्टमेंट जीरो तक आ गया पर उसके लॉसेस होते जा रहे हैं अब आगे इंडिया बोलता है इंडिया बोलता है आगे यहां पर चार्ट बुक में मैंने सब लिखा है आगे इंडिया बोलता है कि अगर फर्दर लॉसेस हो रहे हैं पर हमारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जीरो हो गया है तो अब ऐसे केस में आपको यह देखना है कि क्या आपने उसी जेवी और एसोसिएट में अदर इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं क्या लाइक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस प्रेफरेंशियर्स क्या आपने अदर इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखे हैं क्या लॉन्ग टर्म नेचर के अदर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं क्या लॉन्ग टर्म नेचर के इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो आपने करके रखा है जिसको आप इक्विटी मेथड फॉलो कर रहे थे पर क्या आपने इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस प्रेफरेंशियर्स ऑफ सेम एसोसिएट सेम जेबी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स सेम एसोसिएट शेयर जेबी करके रखा है क्या अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, डिचर करके रखा है और वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं और वो फ्यूचर में कभी सेटल नहीं हो पाएंगे ऐसे नेचर के हैं कि यार लोन दे दिया नाउ इट इज नॉट टू बी सेटल्ड इन द नियर फ्यूचर इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन आपने इंडिया में भी पढ़ा होगा तो बेसिकली अगर आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड इन द नियर फ्यूचर वो सेटल नहीं होने वाला तो ऐसे केस में जो लॉस का शेयर आपको मिल रहा है वहां से उस लॉस का शेयर को आप अपने इन इन्वेस्टमेंट्स इन अदर इन्वेस्टमेंट्स में सेट ऑफ कर सकते हो मतलब लॉसेस को आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में सेट ऑफ किया in रिमेनिंग in से पहले आप इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के ऊपर रिस्पेक्टिव इंडेस की अकाउंटिंग पहले करोगे और फिर हिसाब से आप ये लॉस को सेट ऑफ करोगे ठीक है अब मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं कि है क्या ध्यान से देखिए एंटिटी हैज़ फॉलोइंग थ्री टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट इक्विटी इंटरेस्ट है लॉसेस को बांटूंगा तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में बांटूंगा इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेरे अगर जीरो हो गए तो उसके बाद मैं अपने लॉसेस को इन्वेस्टमेंट इन शेयर में बांटूंगा बट उससे पहले मैं इंडियस वन जीरो वैल्यू लगाऊंगा इनके ऊपर वैसे ही लॉन्ग टर्म लोन मैंने देख रखा है उस एसोसिएट कंपनी को टेन परसेंट का इंटरेस्ट इनकम इज एट द एंड ऑफ ईच ईयर उसको भी हम इंडिया के हिसाब से अकाउंट फॉर करते हैं दिस लोन ऑलसो फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो ये दोनों के दोनों जो लोन है दीज आर फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ये जो नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके जो वर्डिंग uh, है ना इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो इन्वेस्टमेंट है ये नियर कमिंग फ्यूचर में सेटल नहीं होने वाली ये एक तरीके से परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो कितना कितना है टेन लाख का इक्विटी इन्वेस्टमेंट से

एंटिटी का शेयर उस एसोसिएट कंपनी के प्रॉफिट लॉस में दिया हुआ है, है? ठीक अब ध्यान से सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कितना है? लाख लॉस कितना आया आपके पास सिक्सटीन आप सिक्सटीन लाख का लॉस पूरा पूरा तो माइनस कर नहीं सकते बुक कर लिया अब आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कितना हो गया जीरो

अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके आए जीरो, जीरो नेक्स्ट ईयर का लॉस कितना आया? टू का टू ही भी हमारे पास नहीं है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन है बस इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन है तो ये टू लैख रुपीज का जो लॉस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन में जाएगा पर उससे पहले क्या इस साल कुछ आ रहा है नहीं

नेट नेट का वैल्यू आपका बचेगा सिर्फ 50,000 का अब यहां पर वर्किंग थोड़ी सी अलग है, पर है. तो आपका का बचेगा आपका जीरो पड़ा था अगले साल आपका डिबेंचर भी से बढ़ जाएगा डिबेंचर भी आपका फिफ्टी थाउजेंड से बढ़ जाएगा ये भी आपका फिफ्टी थाउजेंड से बढ़ गया अब आपका फिफ्टी फिफ्टी आ गया Guys, इस ताल, इस साल साल लॉस कितना है जीरो पर पिछले साल का भी तो लॉस था वन लैख का वो अगेन सेट ऑफ होगा तो वन लैख में से फिफ्टी थाउजेंड का लॉस यहां सेट ऑफ होगा तो अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा और ये बाकी का फिफ्टी थाउजेंड का लॉस सेट ऑफ होगा तो ये जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली इस साल में भी सबके फिगर जीरो जीरो हो गए नेट नेट करके फिर अपन फोर्थ ईयर में आए ओपनिंग बैलेंस जीरो 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 अब क्या हुआ अब यहां पर हमने देखा कि फेयर वैल्यू बढ़ गई वापस से फिफ्टी थाउजेंड तो आप अपने प्रेफरेंशियर की वैल्यू बढ़ा दोगे फिफ्टी थाउजेंड से डिफेंसर की वैल्यू देखिए कुछ नहीं हो रही है और इस बार एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट किया है टेन लाख रुपीज़ का आ, हमारा उसमें प्रॉफिट है टेन लाख रुपीज़ का अब सुनो जब प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले प्रॉफिट को हम प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म डेट में कॉम्पनसेट करेंगे उतना उतना जितना जितना इन्होंने पहले बियर किया था तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जितना हिस्सा प्रेफरेंस ने बियर किया था उतना हम उसको दे देंगे और लॉन्ग टर्म वालों को दे देंगे बाकी हम इक्विटी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमने कितना कितना हिस्सा दिया था हमने इसको फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड दिया था यहां पर फिर उसके बाद हमने यहां पर उसको फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड के बाद हमने यहां पर उसको uh, अलग अलग शेयरिंग दिए थे फिफ्टी फिफ्टी और वन लाख वन लाख दिए थे तो उतना उतना हम सेट ऑफ करेंगे मतलब उसको सेट ऑफ करने के बाद बाकी जो इसके पास बचेगा वो बचेगा टू लाख रुपीज आई मेरी बात समझ में मतलब कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है टेन लाख का टेन लाख के प्रॉफिट में से जितना जितना लॉस आपने प्रेफरेंस में ले गए थे और लॉन्ग टर्म में ले गए थे उतना आप उनको वापस से दे दोगे ताकि आप उनकी वैल्यू बढ़ा सको रिमेनिंग

आपको टेन लैख का प्रॉफिट हो रहा है और ये टेन लाख का प्रॉफिट आप बेसिकली डायरेक्टली उसको इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा क्या था ये था एनी रिमेनिंग लॉस विच इज अनिकोग्इज शुड बी अलोकेटेड और अप्लाइड टू अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम टू अदर सॉरी अदर कॉम्पोनेट ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन एसोसिएट और जेवी इक्विटी माइनस करने के बाद तो रिमेनिंग लॉस को आप अदर इन्वेस्टमेंट्स इन सेम एंटिटी में जो आपके अदर इक्विटी मतलब एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है not, uh, 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 क्या बोलते हैं वो आपके नेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन एसोसिएट है तो आप उसमें उसमें बांट दोगे हाउ एवर अबर लॉसेज शेल बी अपलाइड टू दो इन्वेस्टमेंट ओनली आफ्टर अपलाइंग इन डे उन रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में आप उनके रिस्पेक्टिव इंडिया फॉलो करने के बाद ही अप्लाई करोगे आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट्स इफ स्टिल देयर इज अनिकग्नाइज लॉस सब में आपने एलोकेट कर दिया पर फिर भी लॉसेस होते जा रहे हैं और सभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जीरो हो गई तो आपको देखना है कि क्या वो लॉसेस के लिए आपकी कोई एडिशनल लाइब्रिटी है क्या आप उन लॉसेस को गुड करना है आपको क्या आपकी कोई लीगल और कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिवेशन है टू टू मेक द लॉसेस लॉसेस गुड अगर अगर तो आप आप अलग से उन को बुक करोगे आप entry pass करोगे एंट्री पास पी अकाउंट डेबिट आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑब्लीकेशन है लॉसेस को बियर करने की कैश लाने की तो और अगर नहीं है तो आप उन लॉसेस को फिलहाल तो अनरिकग्नाइज रखे रहने दोगे जब अदर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू वापस से पॉजिटिव होगी तो लॉसेस को सेट ऑफ कर देना जब एसोसिएट और जेवी सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट कमाएगी तो आप प्रॉफिट का उतना हिस्सा जितना पहले लॉसेस आपने अदर इन्वेस्टमेंट में ऑफ किए थे तो उतने के हिस्से का प्रॉफिट आप अदर इन्वेस्टमेंट्स में लेके जाओगे और रिमेनिंग प्रॉफिट आप बाकी का इन्वेस्टमेंट इक्विटी in में लेके जाओगे इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है गाइस ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया है पर आने के चांसेस हो सकते हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख लेना ठीक है अगर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो क्यू कोड से आप इसको देख सकते हो सो गाइस इसी के साथ ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी और ये हो गया आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट तो ट्रिपल वन और ट्वेंटी एट खतम, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करूं मैं आपको कहा था कि मैं आपको एक घंटे के अंदर अंदर पूरी कोशिश करूंगा खत्म करूं उससे भी कम समय में मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है आई बिलीव आपका ये पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे बाद में इसका फीडबैक दीजिएगा कमेंट में मुझे बताइए कैसा कैसा लगा और इस लेक्चर को लाइव करके लाइक करके ही जाना और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं आई होप आपको यह समझ में आ जाएगा और आपको कौन कौन से ऐसे और भी मैराथन लेक्चर्स चाहिए मुझे जरूर बताएगा डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको डले हुए हैं वो भी एक बार आप देख लीजिएगा थैंक्स लॉर्ड गाइस बाय बाय टेक केयर